Yeah, good morning, students. Today we are going to study about the 5 marks. 10 marks has been completed. 5 marks. What it is, 5 marks? Let us see. Explain the provisions of the right to information. Look at the board. It is of 5 marks. Provision of right to information. What is this right to information? We are the citizens of India. So we are having the right to have the right to information. Let us study about this. This right to information, this has come in the year 2005 in the month of June. 15th June 2005. India has provided us this. We have studied about, students, let us go in the past. We have studied about the corruption in our previous classes. It is related to this right to information. You'll get no idea about what I'm speaking in that corruption and right to information. What are these related to each other? Okay, right to information, this has received by the presidential, yani president isko accept kare. President ke through apne ko ye right to information act pass ho gai. 2005 mein, 15 June se ye right to information start kare India mein. This act applies to all the states and union territories. इंडिया में जितने भी स्टेट्स है, यूनियन टेरिटरीज है, उन सब के लिए हेल्पफुल है. सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के लोग इससे फायदा उठा सकते हैं. वो क्या फायदे हैं अपन नेक्स्ट देखेंगे. और करप्शन से कैसे रिलेटेड है आगे देखेंगे. इट इज अ फंडामेंटल राइट. ये अपना बुनियादी हक है. अपन ये मालूमात कर सकते हैं कि गवर्नमेंट कैसा चल रही है. अगर इन केस कोई प्रॉब्लम है, कोई बिल्स का, कोई जो एक्ट पास हुए उसका पूरा इंफॉर्मेशन हमें रहना चाहिए. अब आगे देखेंगे. एवरी सिटीजन हैज द राइट टू रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. गवर्नमेंट, GOVT मीन्स शॉर्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. हर शहरी को यह हक है कि गवर्नमेंट से मालूमात करे, हर एक के बारे में मालूम करना, मालूम कर सकते हैं. उसके लिए ऑफिसर्स भी है. जैसे कि गवर्नमेंट शल प्रोवाइड द रिक्वेस्ट विद इन 30 डेज. जो कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाह रही, पर्टिकुलर सिटीजन आप हो या मैं, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे गवर्नमेंट के थ्रू, हम ले सकते हैं. 30 डेज में हम लोग को पता चलता है किसी के भी बारे में अगर हम जानना चाह रहे हैं तो. एवरी डिपार्टमेंट हैज पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर. हर डिपार्टमेंट के लिए एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है. क्या करते हैं वो? हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन टू सिटीजन. ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं हर शहरी को. इफ ही फेल्स टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन कैन गो टू हायर अथॉरिटीज अगेंस्ट हिम. अगर वो हमें इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं तो उनके खिलाफ हम जा सकते हैं. इनसे जो बड़े ऑफिसर है उनको बोल सकते हैं. वी कैन गो अगेंस्ट हिम. ऐसा नहीं कि अरे ये ऑफिसर है, इन्होंने बता रहे तो खामोश बैठना चाहिए. नहीं, हम उनके खिलाफ भी जा सकते हैं. वी कैन गो अगेंस्ट हिम. उनके जो हायर अथॉरिटीज है उनको भी कह सकते हैं. नेक्स्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन का शॉर्ट फॉर्म लिखी मैं यहाँ, RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन. रेकमेंड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर. ये क्या रेकमेंड करते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट? किसको अपॉइंट कर सकते हैं? एक तो पब्लिक ऑफिसर है, एक और उनके असिस्टेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं. क्लियर? अब ये चीजें कैसे आएंगे अपने पास? थ्रू
ये लोग पूरा रिकॉर्ड्स कहाँ लिखते हैं? कंप्यूटराइजेशन से, कंप्यूटराइजेशन एंड डिजिटलाइजेशन। आज के मॉडर्न एरा में हर चीज डिजिटल हो गई है, डिजिटलाइजेशन। मॉडर्न एरा में क्या हुआ है? कंप्यूटराइज हो गया, डिजिटल हो गई हर चीज। इवन आप अपने घर में भी पूरा डिजिटली यूज कर रहे हैं। अब ये कौन सी पे, ये सारे इंफॉर्मेशन हमें कैसे आते हैं? फ्लॉपी से, प्रिंट आउट से, प्रिंट आउट एंड फ्लॉपी। आपको तो पता है ये प्रिंट आउट किसे कहते हैं, फ्लॉपीज किसे कहते हैं। यू नो अबाउट द फ्लॉपीज, प्रिंट आउट, एवरीथिंग। सो वॉट एवर द राइट टू इंफॉर्मेशन इज देयर, वॉट एवर द इंफॉर्मेशन वी आर गेटिंग कंप्यूटराइज्ड एंड डिजिटलाइज्ड। क्लियर? प्रिंट आउट एंड फ्लॉपीज, इन दैट सेंस वी आर गेटिंग द इंफॉर्मेशन। Online also we can get the information. Online also we can request it. Online through भी अपन request कर सकते हैं और online के through भी हमें information मिल सकती है। Clear? ये 5 marks के लिए है, right to information है। Last time इसी chapter में से अबाउट द ई गवर्नेंस का क्वेश्चन आया था 5 marks के लिए। ये नेक्स्ट थिंग है 5 marks का ही है, वही चैप्टर में से है, स्मार्ट गवर्नेंस के चैप्टर में से है। 10th chapter में राइट टू इंफॉर्मेशन है। राइट टू इंफॉर्मेशन प्रेसिडेंट के थ्रू एसेंट हुआ है 2015 जून में, और ये पूरे स्टेट्स एंड टेरिटरीज के लिए है, और ये हमारा बुनियादी हक है। Or every citizen has right to request the information from the government of India. Our government should provide the request within 30 days. 30 days के अंदर, और public information officer है जो अपने को information provide कर सकते हैं हर citizen को। अगर वो fail हो गए information provide करने के लिए तो उनके खिलाफ जा सकते हैं higher authorities को, उनके बारे में हम कह सकते हैं। RTI recommends for the appointment of the public information officer assistant के लिए भी। और ये अपने को एक पूरा computerized हो गया और digitalized हो गया। Clear? If you want, you can write down. I'll give you 2 minutes. Then अभी अपन corruption कहाँ से आ रहा है इसमें वो देखना है। Merits पढ़ते तब अपन अपने को पता चलता कि ये करप्शन कहाँ आया इस बीच में। I'm rubbing the board, students. Merits of RTI. Merits of RTI.
एडवांटेजेस, मेरिट्स को एडवांटेज भी कह सकते हैं। आरटीए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के क्या एडवांटेजेस है, क्या मेरिट्स है, और यहाँ करप्शन कहाँ से आया राइट टू इंफॉर्मेशन में, लेट अस सी। फर्स्ट वन, टू करटेल करप्शन, टू करटेल करप्शन कॉमा इनएफिशिएंसी, एंड मिसयूज ऑफ पावर। ओके स्टूडेंट्स, एंड मिसयूज ऑफ पावर एंड राइट टू इंफॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट, व्हाट इट इज अबाउट द गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस। यहाँ पे लुक एट द बोर्ड स्टूडेंट्स, सी मेरिट्स ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन में अपने को समझ में आ रहा है कि टू कर्टेल करप्शन यानी कम करने के लिए, करप्शन को खत्म करने के लिए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पास हो गई 2005 में। एक्चुअली करप्शन का जो एक्ट हुआ, एक्ट एंटी करप्शन एक्ट जो पास हुआ 1988 में ही पास हुआ है, 1947 से लेके 1988 तक कोई वर्कआउट नहीं हुआ, पर 1988 में ये एक्ट पास हो गया। उसके बाद भी वर्कआउट सही नहीं हुआ तो गवर्नमेंट क्या की, गवर्नमेंट ने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पास किया है 2005 में। किस लिए? ये करप्शन को चेक करने के लिए और गवर्नमेंट का वर्क कैसा जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे करप्शन आया है। ये किसकी कमी करने के लिए? करप्शन और इनएफिशिएंसी, और जो लोग पावर में हैं, जिसके पास ताकत है, जिसके पास हर लिहाज से पावर है, उनको चेक करने के लिए, और वो अपना जो पावर है गलत इस्तेमाल नहीं करना बोल के। ये है फर्स्ट पॉइंट मेरिट्स, ये एडवांटेज है राइट टू इंफॉर्मेशन का, एडवांटेज है ये, करप्शन को कम कर सकते हैं और कोई अपना जो पावर है उसको गलत इस्तेमाल नहीं करना। नेक्स्ट है राइट टू इंफॉर्मेशन, शॉर्ट फॉर्म आई हैव रिटन हियर, राइट टू इंफॉर्मेशन अबाउट आरटीआई इंफॉर्मेशन आईएन, यहाँ ऊपर लिख रही हूँ इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस। गवर्नमेंट के बारे में भी जान सकते हैं और वो गवर्नमेंट कैसा गवर्नमेंट रन कर रही है, अबाउट द गवर्नेंस मीन्स गवर्नमेंट, गवर्नमेंट अपना कैसा चला रही है सरकार, देख सकते हैं हम। इट लीड्स टू, नेक्स्ट क्या है, इट लीड्स टू ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी यानी देख सकते हैं हम, ट्रांसपेरेंटली देख सकते हैं, एंड इम्प्रूवमेंट सर्विसेस, एंड इम्प्रूवमेंट सर्विसेस, ये क्या है एडवांटेजेस है, किसके एडवांटेजेस है, राइट टू इंफॉर्मेशन के। ये ट्रांसपेरेंटली हम देख सकते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत, ये हमारा बुनियादी हक है, हम गवर्नमेंट को जाके पूछ सकते हैं, इसीलिए ये राइट टू इंफॉर्मेशन बनाए हैं 2005 15th जून में। ये मेरिट्स है, नाउ लेट अस सी द डीमेरिट्स। आई एम रैपिंग द बोर्ड स्टूडेंट्स दिस साइड। डीमेरिट्स, डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस
of RTI, short form RTI. Lack of awareness, lack of awareness. मालूमात नहीं है लोगों को इस एक्ट के बारे में, मालूमात की कमियां हैं, lack of awareness by the citizens. हम शहरी हैं इंडिया के, कई लोगों को इस एक्ट के बारे में पता ही नहीं है. पता नहीं चलने से उसके नुकसानात है, डीमेरिट्स है, डिसएडवांटेजेस है. डीले एंड स्लो प्रोसेस, और इसके नुकसानात क्या है, डीले एंड स्लो प्रोसेस. कोई भी काम हो हमारी इंडिया की गवर्नमेंट बहुत स्लो करती है, हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स बताती है. ये एक डिसएडवांटेज है, इसीलिए राइट टू इंफॉर्मेशन फेल हो गया, ये पास नहीं हुआ. राइट टू इंफॉर्मेशन फेल हो गया क्योंकि हमेशा डीले करती है और स्लो वर्क करती है. और पेटी इश्यूज आर रेस्ट, पेटी इश्यूज आर रेस्ट, इसका मतलब क्या है, छोटे 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 प्रॉब्लम्स हमेशा रहती है इंडिया की गवर्नमेंट में. एक तो कई सारे लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है, और नेक्स्ट इंडिया की गवर्नमेंट इतना स्लो करती है ओवर के उसके अंजाम तक पहुंच ही नहीं सकती है. पेटी इश्यूज आर रेस्ट, पेटी यानी स्मॉल, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स स्टार्ट होते हैं. कोई भी अगर वर्क करने जा रहे हैं तो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं. ये डीमेरिट्स है, ये मेरिट्स है, एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है. ये फेल क्यों हुई, ड्यू टू द नेग्लिजेंस. फेल इसलिए हुई ड्यू टू नेग्लिजेंस, फेल इसीलिए हुई ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ द ऑफिशियल्स. ऑफिशियल्स की नेग्लिजेंस की वजह से फेल हो गई, फेलियर, ये पास नहीं हो सकी. राइट टू इंफॉर्मेशन जो 2005 में पास हो गई थी सिटीजन्स के लिए, शहरी के लिए, वो फेल हो गई. यू कैन कॉपी इट और टेक द स्क्रीनशॉट. आई एम गिविंग 2-3 मिनट्स टाइम, विल गो फॉर द नेक्स्ट फॉर 5 मार्क्स.
Students, I'm rubbing the board. इधर है कि वो ब्लैक मार्कर नहीं है, कैप्स है, किधर गिर गया है कि? असरार सर नहीं, असरार सर नहीं है, मैडम के पास रहता है। स्टूडेंट्स Explain the powers and functions of Lokpal. What is this Lokpal? How this Lokpal has come to India? This has been originated from Sweden. Sweden se laya gaya hai isko. In the year 18th सेंचुरी में लाया गया है। टू सेंचुरीज अगो ये दो सेंचुरीज हो गए, 200 साल पहले ही ये स्वीडन में आ गया है, तो वहां से इंडिया में लाया गया है। ओम्बड्समन कहते हैं उसे, ओम्बड्समन कहते हैं इसको। ये वर्ड ओम्बड्समन से ही इंडिया के लोग लिए हैं, इंडिया में लोकपाल कहते हैं। कहां से लाए? स्वीडन से। 1809 में, 18th सेंचुरी में लाए, 200 इयर्स एगो लेके आए। ये किस लिए लाए? टू इन्वेस्टिगेट किसके लिए इन्वेस्टिगेट करना है? द कंप्लेंट्स। हम कोई भी अगर कंप्लेन कर रहे हैं कोई भी ऑफिसर पे, कोई भी मिनिस्टर पे, तो हम फ्रीली कर सकते हैं। ओम्बड्समन से लिया गया है इंडिया में, उसको लोकपाल कहते हैं। क्या इन्वेस्टिगेट करना है? कोई करप्शन हो रहा है या माल एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, उसको चेक करने के लिए। इन्वेस्टिगेट द कंप्लेंट्स ऑफ द माल एडमिनिस्ट्रेशन। स्वीडन से लिया गया है 18th सेंचुरी में, 200 साल पहले। ओम्बड्समन है इसका, ओरिजिनेट स्वीडन से हुआ है इसका। क्या इन्वेस्टिगेशन करना है? कोई भी हायर अथॉरिटी, हायर ऑफिशियल्स को या मिनिस्टर्स को, किसी के बारे में भी अगर हमें इन्वेस्टिगेशन कराना है तो ओपनली करा ले सकते हैं हम। एक्चुअली ये है क्या? इज अ ग्रीवियंस ऑफिसर। लोकपाल का मीनिंग क्या है?
is a grievance officer, ये भी कह सकते हैं हम grievance officer बोल के. और एक और नाम है उसको caretaker, caretaker भी कह सकते हैं, caretaker या grievance officer दोनों नाम है इसकी. फर्स्ट कब स्टार्ट हुआ था? 2011 में, 2011 में ही ये स्टार्ट हो चुका है. पर इसको बिल एक्ट और बिल के तरह पास नहीं करे थे, 2011 से ही सोच रहे थे कि ये पास करना है इंडिया में, बट वो पूरा नहीं हो सका 2011 में. उससे पहले भी कई बार कोशिश करे इंडिया में ओम्बड्समैन स्वीडन का जो लेके आए वो लोकपाल की शक्ल में, उसको पास करना चाह रहे थे. कई 40 साल से कोशिश करते करते 2011 में जस्ट थोड़ा सा स्टार्ट किया गया है, पर उसको अप्रूवल नहीं मिला था. फिर वो टू बोथ द हाउसेस में पास होना है, बोथ द हाउसेस बोलो राज्यसभा एंड लोकसभा, ये दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में पास होना जरूरी था. फिर उसको 2013 में कोशिश करे सेम लोकपाल को पूरा अप्रूवल देने के लिए. 2014 में सही तरीके से वर्कआउट हुआ है इसका, दोनों राज्यसभा एंड लोकसभा में पास होने के बाद इसके जो मेंबर्स है लोकपाल के, उसमें 50% ऑफ मेंबर्स एससी एसटी एंड ओबीसी के होना है. 50%, एक 50% तो कोई ऑफिशियल्स रहते हैं लोकपाल के, और एक 50% एससी एसटी एंड ओबीसी. ये एससी शेड्यूल कास्ट है, एसटी शेड्यूल ट्राइब है, एंड ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट. ये अलग 50 मेंबर्स लोग प्रेजेंट होना है इसके लिए. अब ये लोकपाल कैसा वर्कआउट होता है नेक्स्ट देखेंगे. ये ना ही मिनिस्टर्स, इवन ब्यूरोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स का मीनिंग भी है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ऑफिसर्स को भी ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं. वो लोग कैसे वर्कआउट कर रहे उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं. और इसके लिए लोकपाल के लिए चेयरमैन होना है और उसके लिए कई सारे मेंबर्स की जरूरत है. इसको कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं. प्रेसिडेंट इज अ इम्पोर्ट टू अपॉइंट, नॉट ओनली टू अपॉइंटमेंट फॉर द चेयरमैन एंड फॉर द अदर मेंबर्स. इसके लिए और दूसरे दूसरे कौन कौन से मेंबर्स होने हैं? एक प्राइम मिनिस्टर है, दूसरा एक एमिनेंट जूरिस्ट रहता जो वो स्पेशली प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं ये चेक करने के लिए. और लोकसभा के स्पीकर भी होते हैं इसमें, एक तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, एक लोकसभा के स्पीकर है, और एक एक एमिनेंट जूरिस्ट है. ये सारे लोग चेक करते हैं चेयरमैन और उसके मेंबर्स को अपॉइंट करने के लिए. ये है लोकपाल के मेंबर्स, और उसको प्रेसिडेंट रेकमेंड करते हैं इन सब लोगों को अपॉइंट करने के लिए. इन सबको देखने के लिए चेयरमैन, स्पीकर और एमिनेंट जूरिस्ट की जरूरत है. ये सब लोग लोकपाल के चेयरमैन और उसके मेंबर्स को चेक करते हैं. और एक मेन थिंग, अपोजिशन लीडर जो है, अभी जो रूलिंग पार्टी है उसके अपोजिशन में जो पार्टी है उसका एक मेंबर भी जरूरी है लोकपाल में रहने के लिए. क्यों? क्योंकि वर्कआउट सही हो रहा या नहीं ये अपोजिशन पार्टी वाले एक्यूरेट चेक करते. क्लियर? और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट करते हैं ये सारे मेंबर्स को. फर्स्ट चेयरमैन कौन थे ये लोकपाल के? पिनाकी घोष, वो फर्स्ट चेयरमैन थे ये लोकपाल के. लोकपाल पूरे यूनियन के लिए कहते हैं, मगर लोकायुक्ता सिर्फ स्टेट के लिए वर्ड यूज करते हैं.
लोकपाल यूनियन का है और स्टेट के लिए लोकायुक्ता, और लोकायुक्ता के एक असिस्टेंट है उपलोकायुक्ता। ये कहां से ओरिजिनेट हुआ है? स्वीडन से लिया गया है 18th सेंचुरी में। 2 सेंचुरीज गुजर गए हैं स्वीडन में आके इंडियंस, बाद में लिए। फंडामेंटल राइट्स भी हम यूएसए से लिए हैं, डीपीएसपी भी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, वैसे ही ओम्बड्समैन स्वीडन से लिया गया है। किस लिए? टू इन्वेस्टिगेट द कंप्लेंट्स एंड द माल एडमिनिस्ट्रेशन, मिनिस्टर्स, ब्यूरोक्रेट्स, हायर ऑफिशियल अथॉरिटीज, सबको इन्वेस्टिगेशन के लिए लोकपाल स्टार्ट करे हैं। इज अ ग्रीवियंस ऑफिसर, लोकपाल क्या का मीनिंग क्या है? इज अ ग्रीवियंस ऑफिसर और द टेक केयर करने के लिए स्टार्ट करे के इंडिया की गवर्नमेंट अच्छी तरीके से रन कर सके, इंडिया को सही तरीके से रन करने के लिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात, वर्ल्ड में इंडिया ऑक्यूपाई करता फर्स्ट पोजीशन करप्शन की जगह, इंडिया ऑक्यूपाइज द फर्स्ट पोजीशन फॉर द करप्शन एंड द लास्ट पोजीशन द लीस्ट इज जापान। फर्स्ट इज इंडिया एंड द लास्ट इज जापान। जापान इज लीस्ट करप्टेड, द मोस्ट करप्टेड इज इंडिया एंड द लीस्ट करप्टेड इज जापान। दिस फॉर द पासिंग ऑफ द लोकपाल बिल टू बिकम द एक्ट। जो भी बिल होती है उसको पास होने के बाद ही उसको एक्ट कहते हैं। तो राज्यसभा एंड लोकसभा में पास होना कंपल्सरी है, वहां पे अप्रूवल मिला, उसके बाद 50% मेंबर्स एससी एसटी एंड ओबीसी के होना है। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं सारे लोगों को, प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल, और इसको चेक करने के लिए प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा के स्पीकर और एमिनेंट जूरिस्ट और अपोजिशन पार्टी के एक मेंबर होते हैं स्ट्रॉन्गली ये वर्क को चेक करने के लिए। क्लियर? ये 5 मार्क्स का है। अभी राइट टू इंफॉर्मेशन पहले पढ़े थे, वो भी 5 मार्क्स का है। इट्स इम्पॉर्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, यू कैन कॉपी इट डाउन।